बात करते हैं कि रूस को गेहूं और सोयाबीन के बदले मिसाइल देने पर क्यों मजबूर हुआ ईरान। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लंबे समय से ईरान के ऊपर रूस को हथियार सप्लाई करने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान पर आरोप है कि वो रूस को मिसाइल और ड्रोन दे रहा है। अब ईरान के एक सांसद ने इस मामले पर बयान देकर इस आरोप पर मुहर लगा दी है। ईरान संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी ने रूस को तेहरान की तरफ से दी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की मीडिया रिपोर्टों की पुष्टि कर दी है, लेकिन साथ ही हथियारों की इस डिलीवरी को लेकर दी जा रही पश्चिमी देशों की धमकियों को भी कम करके आंका है। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान रूस को ड्रोन और मिसाइल दे रहा है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अब ईरान के सांसद ने इस दावे की पुष्टि कर दी है। तो अब पश्चिमी देशों को ईरान का विरोध करने का और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। ईरानी सांसद ने मीडिया आउटलेट दिदवाना ईरान को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बार्टर करना पड़ता है। बार्टर का मतलब होता है सामान के बदले सामान। सोयाबीन, गेहूं जैसी ज़रूरत की चीज़ें भी हमें बार्टर के ज़रिए खरीदनी होती हैं। रूस को मिसाइल निर्यात भी हमारे बार्टर सिस्टम का ही एक हिस्सा है। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसकी वजह से वो डॉलर से व्यापार नहीं कर सकता। ईरान सामान के बदले सामान लेकर अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करता है। अर्देस्तानी से जब पूछा गया कि रूस को मिसाइल सप्लाई करना ईरान को और गहरे प्रतिबंधों की तरफ धकेल सकता है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इससे बदतर और क्या हो सकता है कि हम हिजबुल्ला, हमास और हशद अल शाबी को मिसाइल देते हैं, तो रूस को क्यों नहीं। ईरानी सांसद अर्देस्तानी ने कहा, हम हथियार बेचते हैं और डॉलर लेते हैं। हम रूस के साथ अपनी साझेदारी के जरिए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हैं। हम रूस से सोयाबीन, मक्का और अन्य सामान इंपोर्ट करते हैं। यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार बेचते हैं। नाटो यूक्रेन में घुस गया है, तो हम क्यों अपने सहयोगी रूस को मिसाइल और ड्रोन देकर उसकी मदद नहीं कर सकते। उधर रूस और ईरान की गहरी होती दोस्ती से अमेरिका काफ़ी परेशान है। अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर रूस और ईरान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। तब हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में की गई हत्या के बाद इसराइल और ईरान के बीच जबरदस्त तनाव पसरा हुआ था। वहीं अब ईरान ने भी दोस्ती निभाते हुए रूस को अपनी खास फतेह 360 बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं, जिससे यूक्रेन और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अमेरिकी मीडिया CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को सूत्रों का हवाला देते हुए खबर दी थी कि ईरान ने रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस को दी हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 सितंबर को एक रूसी शिप कैस्पियन सी में बने एक अज्ञात बंदरगाह पर इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर पहुंचा है। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेवेट ने भी रूस को फतेह 360 बैलिस्टिक मिसाइल मिलने की खबरों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इससे रूस यूक्रेन युद्ध में तेजी आएगी। हालांकि UN में ईरानी मिशन ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ईरान की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी युद्ध में शामिल दोनों पक्षों को सैन्य सहायता मुहैया कराने के खिलाफ है। उसका मानना है कि इससे युद्ध और ज़्यादा भयावह हो जाता है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।